नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पर बैठे अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में केनरा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे केनरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने की, तो प्लीज केयरफुली इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरी प्रोसेस समझने के बाद आप भी अपना केनरा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम बैंक से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड कराते रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सो गाइज, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में यहाँ पर आपको सर्च कर देना है केनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको केनरा बैंक की ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाएगी, केनरा बैंक पर्सनल बैंकिंग एंड सेविंग अकाउंट। इस ऑप्शन पर या इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट लोन अप्रूवल, सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कार्ड सर्विस का, थर्ड जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्विक एक्सेस का, और यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन आ रहा है केनरा दिया ऑनलाइन SB अकाउंट ओपनिंग का। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस लिंक पर आना है और इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट KYC सेविंग अकाउंट विद आधार इन 4 स्टेप। दोस्तों, आपको मात्र 4 स्टेप है वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट है वो यहाँ पर दे रखा है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लगा देना है। इसके बाद आपको वैलिडेट पैन एंड आधार, यानी आपके पास दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका ये अकाउंट है ओपन होगा। जो थर्ड ऑप्शन है या थर्ड स्टेप आपकी, वो है फिल योर बेसिक डिटेल, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल भर देनी है, और फोर्थ स्टेप आपकी कंप्लीट योर वीडियो KYC। जैसे ही दोस्तों आप वीडियो KYC करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी, यानी दोस्तों आपकी एक ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपके पास 2 OTP आएंगे, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएंगे और दूसरे OTP आपने जो भी ईमेल आईडी डाली थी उस पर आएंगे। ये दोनों OTP दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है और फिर नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप OTP लगा देंगे तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों आ रहा है आधार नंबर। यहाँ पर आपको जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और इसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से OTP आएंगे, वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आधार OTP लगाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए दे रखा है यू विल रिसीव OTP ऑन योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रीड मोर टू नो अबाउट आधार OTP। यानी दोस्तों आपको एक बार रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कुछ कंसेंट दे रखे, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो फिर पूरी पढ़ सकते हैं, वरना आपको नीचे आना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जस्ट आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे चलना है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रखा है कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज अबव, यानी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ से देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको जो आपका स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी तहसील है, आपका विलेज गांव है और लास्ट में आपको पिन कोड है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन एड्रेस बनने के बाद आपको नीचे आना है, अगर आपने सही भरा है तो ठीक है, वरना यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। पैन कार्ड के नंबर डालने के बाद एक बार आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपके पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ बेसिक डिटेल्स है फिल करनी है। तो सबसे पहले ऊपरी ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्रोफेशनल टाइप, तो यहाँ से आपको इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी प्रोफेशनल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अदर्स पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए सब प्रोफेशनल टाइप है, तो आपको क्या करना है, इस एरो पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट वगैरह कुछ भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए नीचे जो थर्ड ऑप्शन है वो आ रहा है ग्रॉस एनुअल इनकम, यानी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपकी पर ईयर की कितनी इनकम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए दे रखा है फादर्स नेम, यहाँ पर आपके फादर्स का नाम डाल देना है। इसके जस्ट नीचे आना है, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम है वो डाल देना है। इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है सिंगल या मैरिज, अगर आप सिंगल है या मैरिज है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
और जो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन है डू यू वांट टू नॉमिनी, ठीक है। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं करना चाहते तो नोट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप करना चाहते हैं तो येस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए नॉमिनी का आपको नाम डाल देना है, इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपका और नॉमिनी का जो भी रिलेशन है वो यहाँ से आपको जैसे एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, और जो भी नॉमिनी का एड्रेस है अगर सेम है तो यहाँ पर टिक रहना देना है, अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो आपको अनटिक कर देना है और आपको एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आना है और राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो नोट नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऊपर ऊपर ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, ठीक है। दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है, अगर आप नहीं लेना चाहते यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देखिए नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको जो भी यहाँ पर सुविधा या सर्विस मिलने वाली है वो है यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ई-पास सीट, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर आपको केनरा बैंक के द्वारा कुछ सर्विसेज है वो दी जाएगी। इसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए देर का चूज और ब्रांच, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सर्च करना है। स्टेट सर्च करने के बाद देखिए ऊपर आ जाएगा चूज ब्रांच, तो आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट सिक्कर है तो एक बार मैं यहाँ पर लगाकर देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सिक्कर लगाया तो यहाँ पर देखिए जो भी ब्रांच है वो आ रही है, तीन ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, सिक्कर, सिक्कर इंडस्ट्रियल एरिया और सिक्कर सेकंड, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपके पास या आपके नियर जो आपके नजदीक में जो ब्रांच है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। अगर आप वापस चेंज करना चाहते हैं ब्रांच तो यहाँ पर चेंज ब्रांच पर क्लिक कर देना है। अगर आप ब्रांच फिल सही किए तो यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने लास्ट स्टेप आ चुकी है, ऊपर लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट द वीडियो KYC टाइम स्लॉट, यानी दोस्तों आप अपनी जो वीडियो KYC वो कब करवाना चाहते हैं उसका शेड्यूल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे ऊपरी ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है प्रीफर्ड डेट, यानी दोस्तों आपकी डेट है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है लैंग्वेज का, आप अपनी वीडियो KYC किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रीफर्ड टाइम, यानी दोस्तों किस टाइम पर आप अपना वीडियो KYC करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके यूनिक रेफरेंस नंबर भी आ चुके हैं, यहाँ पर नीचे आपकी वीडियो कॉल शेड्यूल भी आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर और एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी डेट फिक्स की थी, जो शेड्यूल फिक्स किया था, उस टाइम बैंक के द्वारा आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और आपकी वीडियो KYC है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको